तो चलिए आज हम बनाते हैं आंवले का मुरब्बा, वही बिना चीनी के, सिर्फ गुड़ के इस्तेमाल से हम इस मुरब्बे को बनाएंगे। और चूना फिटकरी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी हमारा मुरब्बा सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ हम 1 kg आंवला ले लिए हैं, इसे हम अच्छे से धोकर छान लिए हैं और तलिया से पोछ लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इस पर हम एक छेद वाला बर्तन रखेंगे और इसे हम स्टीम से इस आंवले को पकाएंगे। पहले हम, आप चाहें तो इसे पानी में उबाल कर भी पका सकते हैं। और सारे आंवले को डालकर इसमें हम ढक देंगे और 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट बाद हम फिर इसे पलट कर चम्मच की मदद से सारे आंवले को पलट देंगे ताकि हमारा आंवला बराबर से पक जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुका है और आंवला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे एक छन्नी में छान लेते हैं। अब हम आंवला को कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर आंवला अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक कांटे वाला चम्मच के मदद से अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। अच्छी तरह से इसमें छेद करना है, गुठली को टच करते हुए हम इसे छेद करेंगे। तो यहाँ देखिए हम सारे आंवलों में छेद कर लिए हैं। जितने ही अच्छे से आंवला को हम गोदेंगे उतने ही हमारा मुरब्बा अच्छे बनेंगे। और इस तरह से हम सारे आंवलों में छेद कर लिए हैं और इसे हम करीब 2 घंटा धूप में रख के सुखा दिए हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और हमारा मुरब्बा अच्छा बने। आप चाहें तो पंखे के हवा में भी इसे सुखा सकते हैं, इसमें से पानी नहीं रहना। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एक कढ़ाई ले लिए हैं और इसमें हम आंवले को डालेंगे इस तरह से। और हम 1 kg से कम गुड़ लिए हैं, 1 kg से थोड़ा ही कम है, इसमें हम मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम गैस को ऑन करेंगे, लो फ्लेम में ही हम इसे चलाएंगे ताकि धीरे धीरे हमारा गुड़ गलने लगे और मिक्स होने लगे। लो फ्लेम में ही हम इसे बनाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से गुड़ पिघलने लगा है और इसे हम धीमी धीमी आंच में ही बनाएंगे। जैसे जैसे पकेगा धीरे धीरे गुड़ और भी अच्छे से पिघलना लगेगा। ये देखिए कितने अच्छे से पिघल गया है और हमारा मुरब्बा लगभग आधा पक गया है। तो इसे हमें अभी और अच्छे से पकाने का ज़रूरत है। तो ये देखिए कितने अच्छा से हमारा मुरब्बा में उबाल आ रहा है और कलर भी चेंज होने लगा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हमारा मुरब्बा आधा लगभग पक चुका है और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि लगभग मुरब्बा तैयार होने के कगार पर है। चलाते हुए हम पकाएंगे ताकि मुरब्बा हमारा जले नहीं। ताकि हमारा मुरब्बा अंदर से जले नहीं। तो ये देखिए मुरब्बा का कलर चेंज होने लगा है। ये और हम इसे ब्राउन करेंगे, चाशनी के साथ हम इसे और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर जो कि हम इलायची को छीलकर कूट लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक इलायची के साथ इसे हम पका लेते हैं। तो ये देखिए मुरब्बा हमारा कितने रसेदार और अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो लगभग मुरब्बा हमारा तैयार होने वाला है। अब हम इसे चेक करेंगे। मुरब्बा में हमारा चाशनी को पहले हम चेक करेंगे
अगर एक तार चाशनी हमारा हो जाता है तो समझ लीजिए मुरब्बा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए एक तार छोड़ रहा है, मुरब्बा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए एक घंटे के लिए इसी कढ़ाही में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा चाशनी जो है वो और ठीक हो जाए। तो यहाँ एक घंटा हो चुका है, तो ये देखिए चाशनी कितनी अच्छे से गाढ़ा हो गया है और बहुत ही देखने में अच्छा और रसीले मुरब्बा लग रहा है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से बना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट और रसीला बना है, एकदम रस से भरा हुआ सॉफ्ट सॉफ्ट मुरब्बा हमारा बनकर तैयार है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।